19 सितंबर को गंगेरू स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में जिनेंद्र देव की वार्षिक रथ यात्रा निकाली गई। भक्तों ने श्री जी को रथ पर विराजमान कर मंगल आरती की, जिसके बाद नगर भ्रमण कराया गया। मंदिर पहुंचने के बाद भक्तों ने श्री जी की अभिषेक एवं शांति धारा की। इस अवसर पर अतिथियों का सम्मान भी किया गया। राजस्थान रणकपुर जैन मंदिर की शिल्प आकर्षण का बिंदु है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि ये शिल्प प्राचीन है। इसमें लगभग 40,000 वर्ग फीट में बने लगभग 1,444 खंभे और 80 गुंबज पर बनी शिल्प कलाकृति अद्भुत है। मंदिर का सभा मंडप, द्वार, स्तंभ शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। राजस्थान के अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में मैनपुरी के रहने वाले डॉक्टर सुशील चंद्र जैन को 2022 का संगीतकार रविंद्र जैन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश सुदामा नगर स्थित श्री आदिनाथ जैन मंदिर में दीक्षार्थी साधना दीदी की गोद भराई की कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से हुई, जिसके बाद दीक्षार्थी दीदी ने श्री जी की मंगल आरती की। 5 अक्टूबर को दशहरा के दिन दीक्षार्थी दीदी को आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज द्वारा दीक्षा दी जाएगी। पर्युषण पर्व के बाद जैन संतों का नगर भ्रमण शुरू हो जाता है। इसी श्रृंखला में मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग मध्य प्रदेश इंदौर में उदासीन आश्रम से स्नेहलतागंज पहुंचे, जहां भक्तों ने गुरु भक्ति कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के सानिध्य में बड़वानी में पंच दिवसीय दिव्य सत्संग माला का आयोजन 20 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य हो रहा है। 20 सितंबर को केंद्रीय जेल में साधु का अतीत, अपराधी का भविष्य विषय पर गुरुदेव ने उद्बोधन दिया।